हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्यूटी हट। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं O3 प्लस की वाइटनिंग फेशियल किट। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ब्यूटी हट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। O3 प्लस ब्रांड के बारे में मैं आपको इससे पहले अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये है उसकी वाइटनिंग फेशियल फॉर टैन पिगमेंटेड स्किन, रेडियंस एंड शाइन। इस किट में 5 प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है क्लेंस करने का काम करता है, सेकंड प्रोडक्ट टोन करता है, थर्ड प्रोडक्ट जो है वो मसाज करता है, फोर्थ स्किन को प्रिपेयर करता है और फिफ्थ रिपेयर करता है। इस किट की मैं आपको पैकिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी पैकिंग है। जितनी सुंदर इसकी पैकिंग है उतना ही अच्छा इस किट का रिजल्ट भी है। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है। इस फेशियल को हम बहुत सालों से अपने पार्लर में करते हैं, तो अगर आप भी ये फेशियल यूज़ करेंगे तो ये बेस्ट फेशियल है। ब्राइडल के लिए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या अगर आप की एज बढ़ रही है तो उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है। तो चलिए, सबसे पहले इसका ये प्रोडक्ट है क्लेंजर। इसका क्लेंजर पम्प फॉर्म में है तो आपको निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसकी 4-5 ड्रॉप्स अपने हाथ पे लीजिए, पूरे फेस पे उसको अप्लाई कीजिए और 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कीजिए। बाकी हम जितने भी फेशियल करते हैं उसमें हम पानी यूज़ करते हैं, बट O3 प्लस के फेशियल में हमें बिना पानी के फेशियल करना है। क्लेंजर में आप चाहें तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, बट और किसी प्रोडक्ट में आपको पानी नहीं लगाना है। जैसे ही आप क्लेंजर यूज़ कर लेंगे उसके बाद आप एक वेट पाइप की हेल्प से फेस को क्लीन कर लीजिए। इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट आता है टोनर। यह है इसका सेकंड प्रोडक्ट टोनर। ये स्प्रे फॉर्म में है तो आप इसको भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको फेस से थोड़ा सा दूर करके स्प्रे कीजिए और स्प्रे करने से पहले आप एक बार टोनर को अच्छे से शेक कर लीजिए। कोई भी टोनर आप यूज़ करें तो आप उसको हमेशा शेक करने के बाद ही यूज़ करें। इसको भी आप स्प्रे करने के 2-3 मिनट तक छोड़ दीजिए, जिससे कि ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। टोनर को आपको क्लीन नहीं करना है। जब टोनर को आपने 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद आप थर्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो कि है क्रीम। यह है इसका थर्ड प्रोडक्ट क्रीम। आप इसको भी थोड़ी सी क्रीम को पूरे फेस पे लगाइए, उसके बाद मसाज करनी स्टार्ट कीजिए। बस याद रखिएगा कि आपको क्रीम की मसाज में पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले लगेगा कि बिना पानी के कैसे करेंगे फेशियल, बट जब आप मसाज करनी स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि इस क्रीम में से अपने आप ऑयल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि मसाज आपकी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। क्रीम की मसाज आपको 10 मिनट तक करनी है। इसके बाद आप इसको 4-5 मिनट के लिए फेस पे लगा रहने दीजिए और 4-5 मिनट बाद आप इसको फिर एक वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर लीजिए। जब क्रीम हो जाए तो क्रीम के बाद जो फोर्थ प्रोडक्ट आता है वो है पैक। इस पैक को आप बहुत अच्छे से फेस पे लगा दीजिए, पूरे फेस पर और नेक पर। उसके बाद इसे भी आप 10 से 12 मिनट के लिए फेस पे लगा रहने दीजिए। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए 10-12 मिनट के बाद, तब आप इसको एक वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर दीजिए अच्छे से। जब ये क्लीन हो जाएगा तब हमें इसके बाद फिर से टोनर का स्प्रे करना है, और टोनर का स्प्रे करने के बाद हमें इसका फिफ्थ प्रोडक्ट यूज़ करना है। इसका फिफ्थ प्रोडक्ट है सीरम। इसको इसकी भी आप 4-5 ड्रॉप्स निकालिए पंप की हेल्प से, फिर उसको पूरे फेस पे लगा दीजिए और उसको भी आप 2-3 मिनट के लिए फेस पे लगा रहने दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि आपको टोनर और सीरम को क्लीन नहीं करना है, ये अपने आप स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएंगे। अगर आप कोई भी फेशियल करा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उस फेशियल में होता है वो है उसके स्टेप्स। अगर आपके स्टेप्स ही सही नहीं है तो फेशियल अच्छा नहीं होगा। आपको स्किन की वो स्किन को बेनिफिट तो क्या देगा, उल्टा वो नुकसान ही करेगा। तो मेक श्योर कि आपको फेशियल स्टेप्स अच्छे से आते हो। मैं जल्दी ही फेशियल स्टेप्स की वीडियो भी डालूंगी अपने चैनल पर, तो प्लीज़
आप हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखिएगा जिससे आपको सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मैंने इससे पहले D10 की वीडियो दिखाई थी, O3 प्लस का D10, अगर वो आप इस फेशियल के साथ यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। वैसे तो मैंने D10 की बहुत अच्छे से उसमें नॉलेज दी थी, वो O3 प्लस की D10 है, D10 पैक है। अब बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको इस फेशियल के साथ उसको यूज़ कब करना है। उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि पहले क्लिंजर यूज़ करेंगे, क्लिंजर के बाद आप D10 लगाइए, D10 के बाद आप टोनर लगाइए, फिर क्रीम, फिर पैक, फिर टोनर और फिर सिरम। अगर आप ऐसे इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बेस्ट ही रिज़ल्ट मिलेगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल ब्यूटी हट को सब्सक्राइब कर दीजिए।